What? Rukki. Subin Mayalapli. I'm writing. No, I didn't understand. What are you saying? Can you speak in English? मंदिर कुछ इस ऐसा दिखता है ऊपर से बट भीतर हो रहे नहीं तो यहाँ पे यार स्कैम चलते रहते हैं भाई। स्कैम मतलब बहुत भरा भरा स्कैम होते रहते हैं। फूल का पत्ते देख रहे हो आप, बहुत ही सुंदर है भाई। देखो भाई बहुत सारे कबूतरे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे यार जो बच्चा आया था आने के बाद मेरे से पैसे मांगा था। इस टाइप का नज़ारा देखो भाई, इतने पूजा देने का काहे का स्पेशल काहे का जनरल लाइन। चलो मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ मेरा पैसा यहाँ पर टिकट पे है कि नहीं। तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त मैं हूँ असम में, गुवाहाटी में, और कामाख्या टेम्पल को कवर करने वाला हूँ। तो भाई मेरा अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो अभी देख लो। तो अभी यार ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं भाई, ऊपर ऐसा है। तो भाई यहाँ पर इधर से आपको आप लोगों को मंदिर पे उठना होगा और भाई यहाँ पर आके आप लोग बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो इस तरीके का नज़ारा है, बहुत सुंदर सा भाई, बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों। और यार चप्पल वगैरह तो अभी मैंने अपने साथ नहीं लेके आया, शायद लाना चाहिए था भाई। सब लोग लेके आ रहे हैं, मेरे को भी लाना चाहिए था भाई। यार मैंने ठीक है कोई बात नहीं, चप्पल अगर कुछ होगा तो भाई खरीद लेना होगा और कुछ क्या। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है देखो, यहाँ पे फूल वगैरह 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 बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और मेरे को लग रहा है मैं पूजा दे नहीं पाऊँगा बिकॉज बहुत लेट हो गया भाई। और पिछले जब 2017 पे आया था तब यार 5 बजे मैं लाइन दिया था, तभी मुझे मेरे को 12 बजे लगा पूजा कंप्लीट करने में। तो आज तो फिलहाल 11 बज रहा है, होगा नहीं शायद मेरे हिसाब से। देखो कुछ ऐसा है नज़ारा, बहुत ही भीड़ हर साल रहते हैं भाई, मतलब हर वक्त रहता है भीड़। और अभी तक हम लोगों ने मेन मंदिर पे घुसा नहीं, घुसने वाले हैं। देखो तो ये रहा। तो भाई अभी हम लोग मंदिर में घुस रहे हैं। ओह बहुत दिनों के बाद आया, बहुत सालों के बाद आया भाई। तो भाई अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है माँ कामाख्या का असली गर्भगृह मंदिर। यहाँ पर ही आप लोगों को आना होगा, मतलब ये पिछला साइड है, बैक साइड। और यहाँ पर देखो बहुत सारे पक्षियाँ हैं, कबूतर है। और यहाँ पर दाने वाने आप लोग दे सकते हैं, तो बेचारे यहाँ पर मर के गिर पर तरण है भाई। और बलि देते हैं यार बहुत सारे चीज़ों को। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, इस यहाँ पर आके बहुत सारे लोग पैसे चिपकाते हैं, पैसे चिपकाते हैं। अगर पैसे किसी के चिपक जाए तो भाई ऐसा माना जाता है कि उसका मनोकामना जो है वो पूर्ण होता है। तो ऊपर गणेश जी हैं। चलो मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ मेरा पैसा यहाँ पर चिपकते हैं कि नहीं। कॉइन होना चाहिए उसके लिए पॉकेट में। तो भाई कुछ ऐसा हाल है कि मेरे पॉकेट में एक भी नोट नहीं है, तो मतलब एक भी कॉइन नहीं है। तो मैं किसी एक मनुष्य का मतलब एक आदमी का कॉइन लेता हूँ, देखते हैं चिपकते हैं कि नहीं। चलो यहाँ पर चिपक देते हैं, चिपक जा नहीं होगा शायद यहाँ पर होगा क्या? नहीं भाई चिपक नहीं रहा, मतलब पापी इंसान हूँ मैं, नहीं लग रहा है चिपकेगा। अब चिपक गया, अई गिर गया रे भाई, नहीं चिपकेगा। और यहाँ पर कुछ और दिशा में जाएंगे अभी, चलो और दिशा में जाते हैं। अभी यार हम लोग एक पुल की तरफ जाने वाले हैं, जो भाई जहाँ से आप पूजा देने के बाद मतलब पूजा देने से पहले नहावा आ सकते हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब बहुत सुंदर सा दिख रहा है देखो। वेट भाई साहब क्या नज़ारा देखने को मिला अभी, वाव देखिए भाई।
वाओ, ऐसे आके नहा वहा सकते हैं। कितना पानी है पता नहीं यार, लेकिन नहा सकते आप लोग। देखिए भाई, क्या बोल रहे यार पता नहीं, असम इसमें क्या बोल रहे पता नहीं यार। उस साइड में चलते हैं, उस साइड में कोने पे चलने के बाद यार दिखाते हैं कैसा व्यू दिखता है। क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं चलता, थोड़ा बंगाली का मिक्स है, बाकी सब पता नहीं भाई क्या बोल रहा है ये लोग। यहाँ से भाई देखो क्या नज़ारा है, वाओ। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट वन डे, एक दिन तो चाहिए इसको मतलब अच्छे से समझने के लिए, पूजा वूजा देने के लिए। इस साइड में जाते हैं थोड़ा, रुको, इस साइड का नज़ारा देखो भाई। और यहाँ पे आके कुछ चीज़ें अच्छा लगा और कुछ चीज़ें भाई मेरे को बुरा भी लगा, बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और यार यहाँ पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बोलूँगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं बाहर जाऊँगा तब बोलूँगा। अभी कौन क्या पता नहीं सुन लेगा मुझे, मेरे को पता नहीं। तो कुछ ऐसा है जो मतलब ये शायद नया हुआ, पिछले मैंने जब 2017 में आया था तब ये था, लेकिन ये वाला शायद थोड़ा नया हुआ। क्या मैं इतनी देर बाद आया हूँ, इतना दिन बाद, मेरे को इसलिए नया नया लग रहा है पता नहीं, कुछ ऐसा है भाई। और बहुत लोग रहते हैं भाई, बहुत लोग, बहुत। और यहाँ पे भाई बहुत स्कैम होते रहते हैं, बहुत स्कैम। स्कैम से बच के आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, पहले चलो मंदिर का टूर करवाता हूँ। तो भाई आते आते मेरे साथ कुछ स्कैम हो गया ऐसा कि भाई पहले तो बाइक वाले ने बोला कि आपको ले जाएंगे मंदिर के ऊपर तक। मेरे को तो पता है कि 2-3 गाड़ी चेंज करना होगा, 20-25 करके मतलब 60-70 रुपये लग जाएगा। फिर भी मैंने किया, चलो भाई अलग एक एक्सपीरियंस लेता हूँ, देखता हूँ कैसे होते हैं। फिर यार इतना झंझट काहे लेने का, फिर वापस से मैंने बोला कि ठीक है चल चलता हूँ, क्या होता है देखते हैं। और उसके बाद हो गया अपना, मैंने उसको ले लिया। और लेने के बाद भाई ले आया, आते आते ही भाई बोला कि जूता रखना होगा, चप्पल रखना होगा। और जूता चप्पल रखने के बाद मेरे को मंदिर में प्रवेश करने के लिए मिलेगा। तो इस रास्ते से नहीं जाना है शायद, हाँ। तो अभी बंद है क्या? तो भाई इधर उठते हैं। यहाँ पे यार स्कैमें चलते रहते हैं भाई, स्कैम मतलब बहुत बड़ा बड़ा स्कैम होते रहते हैं। जैसे कि पुजारी लोग आप लोगों को लूट लेंगे तो समझ लीजिए। और स्पेशल लाइन है, जनरल लाइन है भाई मंदिर में पूजा देने का, काहे का स्पेशल, काहे का जनरल लाइन, मेरे को पता नहीं है भाई। और पता नहीं यार कौन सुन रहा है मेरा बात, मेरे को क्या ठोक दे कुछ कर दे, कुछ इस तरीका है। मतलब बहुत भाई लंबा लाइन देना पड़ता है यहाँ पर, लंबा लाइन। यहाँ से कुछ हवाएं आ रही है, सब कुछ बैठ रहे हैं भाई, सब कुछ देखो भाई एकदम शांति शांति। ऊपर जो आप लोग लाइन देख रहे हैं वो सारा लाइन मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए आप लोगों को देना होगा। मतलब मंदिर तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर असली जो है कामाख्या देवी का, वहाँ पर आने के लिए भाई आप लोगों को बहुत लंबा लाइन देना होगा। देखो भाई अभी जो आप लोग ये लाइन देख रहे हैं इधर से, वो माता जी का लाइन देने का स्थान है, मतलब जनरल लाइन पे स्थान है भाई। यहाँ से घुसना होगा, अभी के लिए तो बंद है लग रहा है आज के लिए, और मतलब लोग यहाँ पे घुसाएंगे नहीं। बहुत लंबा लाइन भाई, बहुत लंबा लाइन, इतना लंबा लाइन भाई किसी एक पर्सन को पूजा देने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि 5-6 घंटे मिनिमम हाथ में रहना चाहिए।
तो यार यहाँ पर तो हाँ ऐसे ऐसे देख लो थोड़ा कुछ ऐसा है नज़ारा। तो फिलहाल इस बार का तो भाई मेरा नसीब में है नहीं पूजा देने का, बिकॉज बहुत लेट आया मैं और कुछ ऐसा है बली बली चढ़ाएंगे शायद। और यार कुछ और दिशा में जाते हैं। चलो ये जो देख रहे हैं आप माता जी का मूर्ति है और यहाँ से और भी सारे मंदिर हैं, सिर्फ ये मंदिर ही नहीं और भी बहुत सारे मंदिर हैं। और यहाँ पर आने के बाद एक यहाँ पर नारियल तोड़ते हैं एक जगह पे, दिखाता हूँ अभी रुको। अभी जो प्लेस देख रहे हो आप यहाँ पर इस प्लेस में नारियल तोड़ते हैं नारियल। चलो एक भाई साहब शायद नारियल तोड़ेगा। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, शायद हनुमान जी है क्या है पता नहीं। और यार चलो यहाँ पर कोई दीपक जलाते हैं और अगरबत्तियाँ जलाती है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा है नज़ारा। जब मैं 2017 में आया था अपना जो सारा जो रिचुअल्स था मैंने किया, जैसे ऐसे सारे देखो। तो आप लोग हनुमान जी का मटकी है, तो आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो इस साइड में पाना होगा दीपक जलाने के लिए। हर एक सेक्शन अलग है और आप लोगों को एक जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे बलि चढ़ाए जाते हैं। चलो दिखा देता हूँ। उससे पहले ये देखिए, अभी ये जो रास्ता देख रहे हैं ये यहाँ से मतलब इस रास्ते से शुरू होता है असली माता जी को जाने का रास्ता। और यहाँ पे बलि चढ़ाए जाते हैं शायद, देखो यहाँ पे नहीं इस घर पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब दिन में 500,000 तो होता है शायद, एकदम से होता है। और यार यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं ऊपर, चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे कबूतर देखने को मिलेगा। और ऊपर से एक नज़ारा कैसा लगता है दिखाते हैं। देखो भाई बहुत सारे कबूतरे हैं यहाँ पे, सभी लोग इन लोगों को दाना देते हैं। और मंदिर कुछ इस ऐसा दिखता है ऊपर से, जब मैंने पिछले बार आया था उस छत पे मेरे को बहुत सारे मंकीज दिखे थे, लेकिन इस साल में यहाँ पे अब नहीं दिख रहा है। तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर मतलब उस पीछे से आके यहाँ से लाइन देने के बाद, फिर नीचे जाने के बाद, फिर उधर से जाने के बाद, फिर उस जगह पे जाके, फिर इधर से जाके, फिर उस माता जी तक पहुँचना है। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है जनरल लाइन का, थोड़ा सा बहुत बड़ा ही प्रोसेस है। तो मेक श्योर दैट इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी सो दैट यू कैन ज्वाइन जनरल लाइन। और यार जनरल लाइन पे ज्वाइन होने के बाद मतलब सारा दिन आपको वहाँ पर लगेगा, सारा दिन ही लगेगा। और जैसे कि आप लोग अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखे तो देख लेना। तो अभी के लिए कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर आके पूजा शायद मेरे नसीब में इस बार है नहीं, बिकॉज मैं बहुत लेट हूँ ट्रेन के कारण से। और यार ट्रेन जो है जो मतलब 5 बजे यहाँ पर लैंड करने वाला था, सॉरी 5 बजे नहीं 6 या फिर 7 बजे लैंड करने वाला था, तो वो यहाँ पे आके पहुँचा 10 बजे। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। और इतना भीड़ होने के बावजूद मेरे को नहीं लगता कि मैं जनरल लाइन पे जाके भाई अपना पूजा कंप्लीट कर सकूँ। तो इसलिए मैं शायद इस बार मतलब शायद क्या मतलब इस बार मैं पूजा नहीं दे रहा हूँ। मेरे को पता है भाई बहुत लंबा लाइन चलता है, एक आदमी को कम से कम 4 से 5 घंटा लाइन पे रहना पड़ता है, उसके बाद जाके भाई लाइन नंबर मिलता है, फिर भी 10-15 या फिर 20 सेकंड के लिए। तो भाई अभी के लिए मेरे पास उतना टाइम है नहीं, तो इसलिए शायद मैं इस बार नहीं पूजा दूँगा, सिर्फ बाहर से प्रणाम करके हम चले जाएंगे। तो ये वृक्ष दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पूजा देने का मतलब सामग्री आप लोग इजीली मिल जाएगा और तरह तरह की खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली वेजिटेरियन वेज खाना।
चलो। बहुत पुरानी मंदिर है ये, बहुत पुरानी, जो माता सती का जो 51 पीठ स्थान है उनमें से एक ये है। और ये यहाँ पर माता जी का एक 51 जो रूप है उनमें से एक रूप को यहाँ पर माना जाते हैं। तो यहाँ पर अम्बुबची करके एक मेला होते हैं जिसमें जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस, वहाँ से विश्वभर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और यार और 3 दिन रहता है शायद मेला ये 3 दिन। तो अब जब ऐसे ही मतलब बहुत भीड़ है, अगर उस टाइम पे आप अगर आए तो भाई बहुत भीड़ रहता है, बहुत 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 भीड़ रहता है। तो मेरे को जाने का मन कर रहा है अंदर, लेकिन यार हम जा नहीं सकते बिकॉज इतना बहुत बड़ा पर बहुत बड़ा लंबा लाइन भाई। यार एक चीज़ें देखो आप लोग, कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा है भाई। मतलब अभी वाइड एंगल पे लिया है लेकिन इससे भी बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत कुछ ऐसा है यहाँ पे, कुछ ऐसा है भाई मंदिर के भीतर कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ওটা ভিতরে ওড়ে নাই তো আজ আপনারা অফলাইন করবে। यहाँ पे यार बहुत सारे स्कैम हैं, मतलब कि अगर आप लोग मंदिर के भीतर वीडियो करेंगे तो आप लोगों को फाइन लगेगा, और आप लोग जनरल लाइन से पूजा देंगे तो आपको 5 घंटा लगेगा, और स्पेशल लाइन से पूजा देंगे तो 1 घंटे में हो जाएगा। जनरल लाइन पे आप लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेशल लाइन पे शायद 500 या 1000 रुपये देना पड़ेगा, और टाइम भी बच जाएगा। आई डोंट नो कि ये भेदभाव क्यों है, पता नहीं भाई। और यार जो मतलब पुजारी जी के थाले में जो पैसा मैंने देखा, कॉइन वगैरह कुछ है नहीं यार, 500 का नोट, 2000 का भी नोट देखा मैंने, और मतलब 50, 100, 200 मेरे सिटी पे तो भाई 5 रुपये 10 रुपये से भाई पुजारी जी खुश हो जाते हैं, यहाँ पे भाई पता नहीं। और जिसके पास पूजा देने के लिए जाओ तो भाई वो मतलब मैं अच्छा हो, और अगर पूजा नहीं दे रहा हो तो भाई मतलब मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ इन लोग के हिसाब से। भाई मैं 2017 में भी आया था इधर, तो आने के बाद भाई मेरे को ऐसा लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बाहर से पूजा का जो सामग्री है वो खरीद लीजिए, खरीद लेने के बाद एक लाइन स्टार्टअप होते हैं, तो आप लोग किसी से पूछ लेना कि जनरल पूजा का लाइन कहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे आप चले जाइए 3 बजे या फिर 4 बजे रात को आप लाइन देना शुरू कर दीजिए भाई, आपको 9 से 10 बजे, 9 से 10 जब बजेंगे तब आपका पूजा ख़त्म हो जाएगा शायद। तो भाई जिन स्पेशल के चक्कर में मत पड़िए और किसी पुजारी पुजारी जी के चक्कर में मत पड़िए, तो भाई पैसा गवा देंगे। और अगर आप लोग चाहिए आप लोगों को और अच्छे से पूजा देने के लिए तो आप लोग करवा सकते हैं, आपका मन की इच्छा है, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ। तो भाई साहब अभी यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, तो कुछ और एक डेस्टिनेशन कवर करने का इरादा है, देखते गाड़ी पाते हैं कि नहीं। अभी थोड़ा जो जू है उस जू को विज़िट करने का इरादा है। फूल का पत्ते देख रहे हो यार, बहुत सुंदर है भाई। अभी यहाँ पे यार 2 बच्चा आया था, आने के बाद मेरे से पैसा मांग रहा था पैसा। तो भाई ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और ये यहाँ का बहुत सारे दुकान है जहाँ से आप पूजा के सामग्री खरीद सकते हैं। और देखिए भी इस जूता वूता पहन लिया भाई, दूर से दर्शन कर लेते हैं यार जाएंगे। चलो भाई जाते जाते एक मंदिर को दर्शन कर जाते हैं, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। पिछले बार भी आया था, इस बार भी मैं आ रहा हूँ, तो मंदिर के भीतर फ़ोटो हम नहीं खींच सकते इसलिए भाई थोड़ा मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यार ये मंदिर दर्शन करना हो गया मेरा, अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ, और कुछ इस तरीके का अभी प्लेस है, अभी देंगे शायद। चलो जूता पहन लेता हूँ मेरा। भाई
लोग जब आएंगे तो बहुत सारे ऐसे दुकानें मिलेगा जहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। आप लोगों को करेगा कि मेरे दुकान से ले जाइए, मेरे दुकान से ले जाइए। आप लोगों को जहाँ से अच्छा लगे आप लोग भाई खरीद लेना। और अभी के लिए तो फिलहाल मैं देखते हैं कहाँ जाते हैं। और वहाँ पर एक और मंदिर है और देखो उतरने के बाद और जब मतलब जब आए थे और अभी जब जा रहे हैं दोनों का व्यू। तो यार कुछ यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक दिया हुआ है। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय।